नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। CHO भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है और ये पेपर मेरे हाथ में, दोनों तरफ से मैंने इसको प्रिंट किया है क्योंकि इस पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए है। तो CHO भर्ती हम सबको पता है कि 19 फरवरी को हुआ था और 3 सिटीज में इसका एग्जाम लीक हुआ। तो पहली संभावना तो ये है कि ये जो 3 सिटीज में एग्जाम लीक हुआ है, शायद इन 3 शहरों का एग्जाम ही पोस्टपोन हो या फिर स्थगित हो, एक ये संभावना बन रही है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा अपडेट ये कि जब अभ्यर्थियों ने जो पेपर लीक हुआ था वो RMSSB के अधिकारियों को सौंपा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने इसके बारे में कोई डिसीजन किया ही नहीं कि पेपर को लीक माना जाए या नहीं माना जाए, और उस मामले को अदर में छोड़ करके SOG पर टाल दिया। यानी कि जो पेपर के साक्ष्य थे वो SOG को सौंप दिए और SOG जो रिपोर्ट करेगी तब ये डिसाइड होगा कि पेपर लीक हुआ है अथवा नहीं हुआ है। पहली बात तो ये, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और आप अपने कमेंट जरूर बताइए कि क्या आप इस पेपर को लीक मानते हैं। इसमें एक कंटेंट ये है कि सुबह 10:30 बजे परीक्षा थी और 3 घंटे 22 मिनट पहले ही ये जो एग्जाम था ये लीक हो चुका था। इसमें एक कंटेंट ये आया है और ये मैंने आपको बता दिया कि SOG की जांच रिपोर्ट पर है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो ये है कि ये जो पेपर है ये करौली से लीक हुआ और लीक करने वाले का नाम आज जो न्यूज़पेपर्स में आया है, पहले तो उस बंदे ने महेश सैनी बताया था, बाद में पता लगा कि इसका नाम महेश सैनी नहीं है, ये बंदा है विनोद मीणा और इसने पेपर ये स्वीकार कर लिया है अब कि इसने एग्जाम को लीक किया है। इसके पास इंटरनेट नंबर से सवाल आए थे और ये सवाल इसने भेजे हैं। सुबह 7:08 पर इसके पास पहला पेज आया था जिसमें 10 पेज थे और सवाल थे, उनके ऑप्शन थे। दूसरा 7:22 पर इसके पास आया और उसमें भी सवाल थे, इसने देखे जरूर पर ये कह रहा है कि इसने यूज नहीं किए। लेकिन कुल मिला के बात ये कि अभी तक सरकार क्लियर नहीं कर पाई कि इस पेपर को आउट माना जाए या नहीं, लेकिन पूरी संभावना है कि पेपर रद्द होगा और दोबारा से पेपर होगा, ये आप क्लियर मान के चलो, इसलिए तैयारी में लग जाओ। अब उन भाई बहनों से भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पेपर लीक में जरा सा भी रोल अदा किया कि उनको इससे क्या फायदा मिला, उनका खुद का टाइम वेस्ट गया, उनका पैसा वेस्ट गया, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई और अब ये कुल मिला के विनोद मीणा नाम जो आ रहा है सामने, तो कुल मिला के एक तरह से उस परिवार की प्रतिष्ठा पूरी खत्म हो गई। तो ऐसा गंध तो मत मचाओ जो आप अपने परिवार का ही नाश कर बैठो, खुद का नाश कर बैठो। अपने अगर पैरों पे भरोसा नहीं है तो दौड़ में शामिल मत हो आप। अगर आपके पैर कटे पड़े हैं, दम नहीं है आप लोगों में, तो औरों को नुकसान मत करो ऐसी घटिया हरकतें करके। तो मेरा आपसे यही कहना है, कमेंट बॉक्स जरूर बताना कि आप इस पेपर को लेकर कैसे देखते हैं, क्या पेपर वास्तव में लीक है या लीक माना जाना चाहिए और क्या ये पेपर दोबारा किया जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।